नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों भोला यात्रा, भोला रोड ट्रक ट्रिप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। कल मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी कि ये जो यात्रा है वो ठाणे पहुंची थी, जो कोरम माल वहाँ का। इसके बाद में दोस्तों ये आगे बढ़ चुकी है और आज सूरत पहुंचेगी है। सूरत का जो VR माल है वहाँ पे ये पहुंचेगी और जिस प्रकार से इस यात्रा को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है। जबरदस्त तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह फैंस अजय देवगन टीम सक्रिय हो चुकी है पूरी तरह से, और जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है लोगों में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रक को सजाया गया है, जिस प्रकार से इसको डेकोरेट किया गया है, जिस प्रकार से अजय देवगन के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, हाथों में त्रिशूल लिए हुए, और दोस्तों जिस प्रकार से ये ट्रक है और जिस प्रकार से इसका प्रमोशन किया जा रहा है, तो जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है लोगों के लिए एक चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। और 30-35 करोड़ लोगों को ये कवर करने वाली है, तो काफी जबरदस्त तरीके से इस यात्रा का कल ठाणे में स्वागत किया गया था और लोगों के लिए एक उत्सुकता जरूर ये जगा रहा है। और भोला फिल्म का इस यात्रा से काफी फायदा होने वाला है, काफी ज्यादा इसका प्रमोशन हो रहा है। तो अभी ये यात्रा आज सूरत पहुंच रही है, VR माल सूरत पहुंच रही है। तो आप अगर गुजरात के रहने वाले हैं तो चुकेगा मत, अगर सूरत के रहने वाले हैं तो डेफिनेटली आप जाइएगा वहां पे और इस शानदार ट्रक का जिसको जिस तरीके से सजाया गया, जिस तरह से डेकोरेट किया गया, जिस प्रकार से मतलब इसका भोला फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, तो आप भी उसकी एक अहम हिस्सा बने और फिल्म को सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म अजय देवगन सर ने बनाई है और फिल्म का नाम भोला है, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है। केवल नाम से ही नहीं, भोला नाम ही अपने आप में काफी है मेरे हिसाब से, और भगवान महाकाल के भक्त अजय देवगन इसमें, तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हंगामा कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जबरदस्त एक ओपनिंग कलेक्शन इस फिल्म का आ सकता है और इस यात्रा से डेफिनेटली इस फिल्म को फायदा होने वाला है। तो यात्रा से संबंधित जैसे भी मेरे पास और अपडेट्स आते रहते हैं लगातार, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इतना ही है, अभी तक मेरे पास कोई ज्यादा पिक्चर्स नहीं आई है इस यात्रा से संबंधित। अगर पिक्चर्स भी मेरे पास आ जाती है इस यात्रा की और नहीं, तो मैं आपको वो भी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।